नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शंख के बारे में बताने जा रही हूँ। शंख शंख के बारे में माना जाता है कि शंख शुभता का प्रतीक है। जिस घर में शंख रहता है वहां पर सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहां पर बाधाएं नहीं आती, उस घर परिवार में रहने वाले लोग सुखी और समृद्ध होते हैं। पर उसी शंख को हम कितनी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार शंख को कैसे इस्तेमाल करें और किस दिशा में आप इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो पाए उस शंख से। शंख माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, भगवान विष्णु से जुड़े हुए शंख हैं। तो शंख हमारे लिए हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। हिंदुइज्म में शंख को पवित्र माना जाता है, बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रतीक माना जाता है, उपदेशों को देश विदेश में फैलाने का प्रतीक है शंख। तो शंख के साथ हमारी बड़ी सारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये शंख कहाँ पर हम रखें, किस दिशा में हम रखें जिससे कि अपना जरूरत के हिसाब से जरूरत की पूर्ति हम कर पाए। तो इस शंख को हम घर के किस किस कॉर्नर में रख सकते हैं और वहां पर रखने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, आज मैं ये आपको बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं इस शंख की कि अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में वेल्थ अट्रैक्ट हो, तो आपको ऐसा कोई भी शंख लेकर घर के वेल्थ कॉर्नर में रखना है। वेल्थ कॉर्नर होता है साउथ ईस्ट, यानी कि आपको इस शंख को रखना है साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप शंख को रखेंगे तो न सिर्फ आपका आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके पास सुख समृद्धि के जितने भी साधन हैं आप उनको पा सकेंगे। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रतीक फैंगशुई में, बहुत अच्छा प्रतीक शंख को माना जाता है वेल्थ के लिए। तो जब भी आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहें, कुछ नए काम को अट्रैक्ट करना चाहें, बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस देश विदेश में फैले, तो आप शंख को अट्रैक्ट करने के लिए रख सकते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस आपका हो, आप चाहते हैं कस्टमर्स बहुत आए, तो आप शंख को किसी वुडन मतलब कोई लकड़ी की कोई टोकरी लेकर या कुछ भी लेकर उसमें शंख भर के रखिए। दो तीन चार जितने शंख आप रख सकें, बड़े बड़े शंख रखिए और साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको रखना होगा। तो ये हो गई वेल्थ की बात। अब अगर कि आप चाहते हैं कि आपका सामाजिक दायरा अच्छा हो, तो सामाजिक दायरा अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यही शंख आपको रखना होगा घर की साउथ डायरेक्शन में। घर की साउथ डायरेक्शन या आपके लिविंग रूम की साउथ डायरेक्शन। देखिए, जो साउथ डायरेक्शन होती है वो हमारे सक्सेस से, पॉपुलैरिटी से, फेम से जुड़ी हुई होती है। जब आप चाहते हैं कि आपका दोस्ती का दायरा बढ़े, फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बड़ा हो, या फ्रेंड सर्कल में आप जो भी बात रखें सबकी सहमति उसको मिले, अप्रूवल उसको मिल जाए और लोग आपको जाने पहचाने, तो आपको इस शंख को रखना है साउथ डायरेक्शन में। देखिए होता क्या है, शंख को तो हम अलग अलग डायरेक्शन में रख रहे हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शन के एलिमेंट के हिसाब भी से भी इसको ऐड कर दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे कि हमने साउथ में रखा, तो साउथ का जो एलिमेंट होता है वो फायर होता है, तो फायर यानी रेड कलर या ऑरेंज कलर। तो आपने क्या करना है कि या तो कोई रेड कलर का कोई बॉक्स लें या डिब्बा लें, डलिया लें, कुछ भी, या रेड कलर का कपड़ा बिछा के और वहां पर शंख को जमाए। तो यानी आपने फायर एलिमेंट भी दिया प्लस आपने शंख भी रख दिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये हुआ कि अपना सोशल जो आपका दायरा है उसको बढ़ाने के लिए आपको इसे साउथ डायरेक्शन में रखना है। अब अगर आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, घर के मेंबर्स में रिलेशनशिप अच्छी करना चाहते हैं, सब लोग खुशहाल रहें, प्रेम से रहें, तब इस शंख को आप रखेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैरिड कपल की आप बात करते हैं तो आपको ये शंख रखना है अपने बेडरूम में, बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। आपका बेडरूम मान लीजिए साउथ वेस्ट में नहीं है, आपका वैसे कपल के लिए बेडरूम सबसे अच्छा साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने साउथ अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट जो आपका कॉर्नर हो वहां पर आपको शंख रख देना है।
वहां पर आप जो शंख रखेंगे वो पिंक कलर में रखेंगे, पिंक कलर के साथ में रखेंगे, या तो पिंक कलर के कुछ आसपास फ्लावर्स रख दिए या कुछ भी डेकोरेशन का रख दिया, वहां पर आपने शंख रख दिए। जब भी हम शंख इस्तेमाल करें या फंक्शुई में कोई भी चीज जब हम इस्तेमाल करें, तो कम से कम इतना क्वांटिटी होनी चाहिए कि उस जगह उसका बेनिफिट मिल पाए। तो जैसे आप अगर शंख भी रखते हैं तो शंख को भी कम से कम दो तीन रखें, बड़े रखें। एकदम एक छोटा सा शंख आपने रख दिया, आप सोचेंगे उससे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर शंख रख रहे हैं तो कम से कम ऐसे साइज में रखें, दो चार रखें कम से कम, एक एलिमेंट दिखे वहां पर कि उस कॉर्नर को आपने बूस्ट किया हुआ है। और जब भी किसी इच्छा के लिए आप किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल करें तो मन में अपना इंटेंशन रखें। इंटेंशन आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हुआ कि आप अगर अपना लव लक अच्छा करना चाहते हैं तो आपने इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख लिया। अब आती है बच्चों की बात। बच्चे एजुकेशन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का एजुकेशन अच्छा रहे या उनका करियर अच्छा हो जाए, या स्कूल्स में हैं अगर बच्चे या कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं तो उनकी किस्मत अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको ये शंख रखना होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। शंख ऐसी चीज है जो आप जिस डायरेक्शन में रखेंगे उसी डायरेक्शन से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। शंख हुए, मोर पंख हुए, कुछ ऐसी चीजें ये होती हैं, जहां पर भी आप इनको रखेंगे अगर आपने प्रॉपर डायरेक्शन में रखा है, प्रॉपर इंटेंशन के साथ रखा है, तो ये हर डायरेक्शन में यूज होने लगती है। अगर आपका इंटेंशन नॉर्थ ईस्ट में रखते वक्त ये है कि इससे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो या बच्चे एग्जाम में पास हो जाएं, तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, या तो बच्चों के स्टडी रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, या फिर अपने लिविंग रूम की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। बच्चों की स्टडी टेबल की नॉर्थ ईस्ट पर रख सकते हैं आप, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बच्चों की एजुकेशन की डायरेक्शन है। तो आपको ये शंख लेकर रख देना है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। करियर के लिए आप रखना चाहें आप नॉर्थ में रख सकते हैं। नॉर्थ में जब आप इसको रखें तो पानी के साथ में रख दीजिए, भाई शंख मिला तो समुद्र से ही है, तो नॉर्थ का एलिमेंट भी वाटर होता है, तो अगर आप इसको वाटर के साथ मिक्स करके शंख को रख देंगे तो और उभरेगा वो वाला सेक्टर और उभर जाएगा। तो आप किसी, या तो आप कोई, मान लीजिए आपने कुछ एक्वेरियम रखा या फिश उसमें डाली हुई है, तो उसमें आप शंख रख दीजिए, तो वाटर एलिमेंट भी हो गया और शंख भी हो गया। तो ये होते हैं कुछ चार पांच तरीके। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ट्रैवल करते वक्त अपने पास एक शंख रखिए, इससे आपका ट्रैवल लक बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस के लिए कहीं जा रहे हैं, एक शंख का टुकड़ा आप अपने पास छोटा सा रख लेते हैं तो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी आएंगी, आपको कुछ नए ऑफर मिलेंगे, आपकी ट्रैवल जो आपकी जर्नी है वो सुखद और सफल रहेगी। तो ट्रैवलिंग में हमेशा एक अपनी सुरक्षा के लिए भी हम शंख को इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम पे आप बड़ा शंख नहीं रखें, छोटा, इतना छोटा शंख भी अपनी पॉकेट में रखें या अपने सूटकेस में भी आप रख सकते हैं। मतलब आपकी यात्रा अच्छी हो, आप जिस काम के लिए निकले हैं वो काम आपका अच्छे से हो, तो उसके लिए भी हम शंख को इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी चीज है, जिसके साथ हमारा हमारी बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, हमारे देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ शंख है। शंख बजाना, जहां घर में सकारात्मक ध्वनि पैदा होता है वहीं शंख को रखना अपने आप में बहुत पवित्र सिंबल होता है, कि आप बहुत पवित्र प्रतीक होता है शंख किसी भी घर में। तो साथियों, ये मैंने आज आपको बताया शंख को लेकर, कैसे कहाँ रखें, किस डायरेक्शन में हम शंख को रखें जिससे कि हम अपनी मन की इच्छाओं को पूरी कर पाए। और भी किसी टॉपिक्स पे दोस्तों आप वीडियोस चाहें तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।